BFS has now started a fast track visa on arrival for people who want to go to Indonesia. Now, is it worth that extra money जो लोग charge कर रहे हैं, आपको करना क्या होगा, क्या procedure रहेगा, सब कुछ बताऊंगा इस video में, एक छोटा intro and video के चलते हुए अगर आपको ये content पसंद आए, I would be really really thankful अगर आप इसको subscribe कर पाए तो. Now, a short intro and then we will go into the main video. Okay, now क्या होता है कि our channel has made a dedicated video के there has been lot of scenarios जहाँ पे वीजा ऑन अराइवल का लंबा झमेला हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, फलाना ढिमकाना एंड ऑल दैट, एंड देयर आर लोकल पीपल हु लोकल एजेंसीज जो 50 55 60 यूएस डॉलर लेके अप टू 85 यूएस डॉलर लेके आपको फास्ट ट्रैक वहां से निकलवा देते हैं. नाउ वो तो वहां पहुंच के, सो व्हाट वीएफएस ट्राइंग टू डू इज दैट आप प्री अराइवल ही आपका वीजा प्रोसेस कर सकते हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स दैट दे वुड लाइक यू टू फॉलो एंड द प्रोसेस व्हिच इज देयर. नाउ आपका जो पासपोर्ट के बायो पेज है वो दिखाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, रिटर्न टिकट्स डालना पड़ेगा, होटल वाउचर विच इज नॉन मैंडेटरी वो दिखाना पड़ेगा, और इसका खर्चा क्या है. फॉर अ स्टैंडर्ड वीजा ऑन अराइवल फी का खर्चा रिमेन 35 यूएस डॉलर, दैट गोज विदाउट सेइंग. वीएफएस ग्लोबल फी फॉर स्टैंडर्ड फास्ट ट्रैक इज अनदर 30 यूएस डॉलर, तो 35 एंड 30 65 यूएस डॉलर इज वॉट देयर क्लेमिंग वुड बी द कॉस्ट, दैट्स नंबर वन. इसके ऊपर मान लो आपको एकदम एंड टू एंड फटाफट एक सर्विस करना चाहिए जो हम लोग पहले भी वीडियो के पहले जो बात कर रहे थे, वो स्टैंडर्ड वीजा ऑन अराइवल का फी जो 35 डॉलर वो रहेगा, एडिशनली दे विल चार्ज अ फी ऑफ 92.50 यूएसडी पर पर्सन फॉर डूइंग दिस वीएफएस ग्लोबल सर्विस फी विच इज अ फास्ट ट्रैक सर्विस एंड ब्लाह ब्लाह एंड ऑल दैट. नाउ दैट्स बेसिकली हाउ इट इज. नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इट टेक्स बिटवीन 24 to 72 आवर्स, that's the number of time that it would take in order to process that entire document. Typical FAQ kya aata hai is why should I use application online, so it's like of course your convenience, then okay, how long will my visa on arrival fast track be valid for, it will be valid for 30 days, then टिपिकल आई एम नॉट रिसीविंग ईमेल, क्या करना है आप इन्फो डॉट वीजा ऑन अराइवल इंडोनेशिया एट वी एफ एस हेल्पलाइन को ईमेल आई डी में लिख सकते हो. वी हैव अप्लाइड एज अ फैमिली, ऑल द एप्लीकेशन वर अप्रूव्ड एक्सेप्ट फॉर वन फैमिली मेंबर, हम लोग सब ने अप्लाई किया लेकिन एक अटक गया, कि ऑल दो ये लोग बोल रहे हैं कि येस यू कैन अप्लाई एज अ फैमिली लेकिन इंडिविजुअल सबका चेक किया जाएगा एंड दैट्स हाउ इट इज वेरीफाइड. एंड लेकिन एक बंदे का अगर नहीं होता लेकिन बाकी तीन बंदे का मान लो हो गया आउट ऑफ अ फैमिली ऑफ फोर, द रेस्ट थ्री कैन स्टिल ट्रैवल. हाउ विल आई रिसीव माई वीजा ऑन अराइवल फास्ट ट्रैक, इट इज सेंड बाय रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एज यू हैव डन व्हाइल एंटरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दैट्स हाउ इट इज. माई पासपोर्ट इज एक्सपायरिंग सून, स्टिल कैन आई गेट अ वीजा ऑन अराइवल, नो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी बिफोर यू डू दिस एंड वन ब्लैंक पेज रहना चाहिए, दैट इज देयर. And visa on arrival, multiple entry or single entry is for single entry. I have a dual nationality. In case of dual nationality, you must select the passport you will use to travel and enter Indonesia and use the corresponding of that particular passport for getting the visa on arrival. So, वो inconsistency नहीं होना चाहिए. For example, आपका Canadian passport भी है और Indian passport भी है. नहीं, मैं अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, but normally उनको कोई पर्टिकुलर नेशनलिटी का चूज करना पड़ेगा जिससे वो कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, दैट्स हाउ इट इज. एंड या दैट्स हाउ इट इज. एंड ये अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, या ना दोस्त बहुत फायदा होता है, नया चैनल है. थैंक यू.